जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी वारजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में। बड़ी खुशखबरी, खुशखबरी आपकी यह है कि 60,000 पदों पर एक भर्ती आ रही है। एक क्या दो तीन भर्तियां आएगी। इसके अंदर कौन कौन सी भर्तियां होगी, कौन कौन से पद होंगे, क्या इसके अंदर लिखित परीक्षा होगी, तो क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी प्रोसेस देखेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। कब तक इसकी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। आप सभी के लिए भर्तियों का दौर शुरू हो चुका है, तो इसके अंदर आप जल्दी से सभी साथी शेयर कर दीजिए, देखते रहिएगा। आप देख सकते हैं कल आपकी मुख्यमंत्री जी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर आपके निर्णय आया, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 महीने बाद किरोड़ी बाबा भी आपके लिए कैबिनेट के अंदर पहुंच चुके हैं। आपके बीच में जो आपके दिव्या जी भी रहे थे और जोगाराम पटेल भी रहे थे, इसके अलावा इसके अंदर आपका मुख्यमंत्री भी रहे थे, और इसके बाद इन्होंने एक फैसला लिया कि पहले 8वीं और 5वीं योग्यता होती थी, अब इसकी जगह 10वीं की योग्यता कर दी है सफाई कर्मचारी की, और इसके अंदर चतुर श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती करवाई जाएगी और हर एक विभाग के अंदर भर्ती होगी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं चतुर श्रेणी भर्ती जो आपकी हर एक विभाग के अंदर होगी, 2 साल के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसके बाद इस टाइप की न्यूज़ भी, अखबार न्यूज़ भी आ चुकी है आज सुबह सुबह की, जिसके अंदर इस्तीफे के 3 माह बाद कैबिनेट में पहुंचे किरोड़ी और चतुर श्रेणी के 83,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसके अंदर 83,000 कौन कौन से वो भी बात करूंगा। और इसके अलावा मैं बात करूँ, इन्होंने ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी है कि पहले 8वीं और 5वीं थी, अब 10वीं कर दी गई योग्यता, और इसके अंदर चतुर श्रेणी कर्मचारी जो आपके होंगे, इसके अंदर कर्मचारी कल्याण में, पत्रकार कल्याण में, सोलर एनर्जी और विकास से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं। प्रदेश में चतुर श्रेणी कर्मचारियों के 60,000 पद खाली है, जिसमें भर्ती करवाई जाएगी, ये इन्होंने आश्वासन दिया है आप सभी को, ठीक है। इसके बाद बात करूँ तो इसके अंदर और भी बहुत सारी लिखी हुई है, जिसके अंदर कर्मचारियों के हित में फैसला 6600 रुपये हुई थी, इसके अंदर सैलरी वगैरह वो इसके अंदर कुछ जानकारी दे रखी है। इसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पे एक पोस्टर लेकर आया हूँ, जो आपके भजन लाल जी के अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ में शेयर किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 88,000 से ज़्यादा सरकारी पदों पर होगी भर्ती, जिसके अंदर सफाई कर्मचारियों की भर्तियों के बारे में इन्होंने लिखा है कि 23,820 जो आपकी भर्ती आ चुकी है, ये आपकी पद आपको पता ही है कौन से हैं, जो आपकी सफाई कर्मचारी की एक भर्ती आ चुकी है 23,800 पदों पर, और इसके अंदर कोई न्यूनतम योग्यता शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है, और सार्वजनिक सफाई व्यवस्था में कार्य अनुभव आधार पर किया जाएगा, और लॉटरी के नाम माध्यम से नगरीय निकाय में होगा सफाई कर्मचारियों का चयन, जो आपके नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों का भर्ती प्रक्रिया, ठीक है, ये देख सकते हैं। दूसरा आपके वाहन चालकों की एक बड़ी भर्ती आई थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 5,000 प्लस वाहन चालकों की भर्ती है, और 10वीं पास न्यूनतम योग्यता होगी इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, लिखित परीक्षा के आधार पर परीक्षा होगी, और चतुर श्रेणी कर्मचारियों की 60,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसके अंदर खुली राह है, लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा, 10वीं पास युवा करेंगे आवेदन। तो इसके अंदर 10वीं पास के लिए बड़ी भर्ती जो आप सभी के बीच में है, इस भर्ती के लेकर चर्चा करेंगे, और इसके अंदर जो अखबार न्यूज़ में आप देख सकते हो, आप देखिएगा 60,000 चतुर श्रेणी पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, लिखित परीक्षा से होगी भर्ती, तो कौन सी भर्ती है, कैसे होगी, किस किस विभाग में होगी, सारी बात करता हूँ। देखो, निवेश और आकर्षक कर लेकर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना टिप्स मंजूरी, ये सब इसके अंदर दे रखा है। 23,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया दिन है, ये इन्होंने बता दिया, और इसके अंदर आपकी न्यू आयु न्यूनतम अनुभव के अवधि पर घटाई जाएगी, ये सारी जानकारी दे रखी है। इस न्यूज़ के अंदर यही लिख रखा है अलग अलग बजट के अंदर कहाँ कहाँ कितने खर्च हुए हैं, और इसके अंदर इसके अलावा चतुर श्रेणी सेवा वाहन चालक के पद पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लिखित परीक्षा मांग करवाई गई है, और विभिन्न विभागों में चतुर श्रेणी जो आपकी कर्मचारी लगभग 60,000 पद रिक्त है, जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी, और विद्युत उत्पादन बढ़ाने में उद्देश्य में 5,708 मेगावाट की सोलर ऊर्जा लगाई जाएगी, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। तो इसके अंदर ये स्पष्ट रूप से इसमें दे दिया है कि आपकी 60,000 पदों पर भर्ती जो आपकी खाली स्थान में की जाएगी, तो खाली स्थान शिक्षा विभाग के अंदर भी है और भी है। इसके बाद ये ऑफिशियली रूप से लेटर जारी हो चुका है, अब ऑफिशियली रूप से जो लेटर जारी हो जाता है, तो उस लेटर के माध्यम से आपका काम बिल्कुल किया जाता है, तो ये गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियली रूप से लेटर जारी कर दिया गया है। चतुर श्रेणी वाहन शैक्षणिक योग्यता 10वीं भर्ती लिखित परीक्षा होगी, और इसके अंदर संसदीय कार्य जोगाराम पटेल ने बताया, भर्तियों में पारदर्शिता एक रूपता लाने के लिए श्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों की शैक्षणिक योग्यता 8वीं 5वीं उत्तीर्ण बढ़ाकर 10वीं कर दे के अनुमति यहाँ पे दे चुके हैं, और बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा ली जाएगी, और इसके अंदर माध्यम से कराने का निर्णय ले लिया गया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह वाहन चालक पर भर्ती शैक्षणिक योग्यता 8वीं हो, कक्षा उत्तीर्ण कर 10वीं की योग्यता कर दी गई है, अलग अलग सेवा नियमन चालक को पदनाम एकरूपता के लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक के फैसला किया गया है, ठीक है, और साथ ही वाहन चालक के पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित की जाएगी। युवाओं को नौकरी हर वर्ष उत्थान राजस्थान विकास पर गतिमान, तो ये आप देख सकते हैं 60,000 पदों पर स्पष्ट रूप से लिख दिया, जिसके अंदर 23,000
820 पद जो आपके प्रक्रियाधीन है ये सारी इसके अंदर जानकारी दे दी है। तो अब आपका किसी का कोई डाउट है कि अब इसके अंदर भर्ती होगी तो होगी कैसे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि भर्ती की बात करूँ तो इसके अंदर एक आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा किसके द्वारा होगी? लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा किसके द्वारा होगी? RSSB के द्वारा, ठीक है। और आपका पशु परिचर, आपने भर्ती नाम सुना होगा, अभी कुछ दिन बाद में आपका एग्जाम है, तो पशु परिचर इसमें क्या है? 10वीं पास। ये कितने लेवल की भर्ती है? 10वीं पास, ठीक है, ऐसे ही लिख दो 10वीं पास। तो 10वीं पास भर्ती है ये 10वीं पास है तो आपकी सफाई कर्मचारी भी आपकी 10वीं पास ही है कर्मचारी, ये भी आपकी 10वीं पास की होगी, ठीक है। 10वीं पास भर्ती आपके लिए बड़ी भर्ती 10वीं पास, ये 6000 के समथिंग है, 6000, ठीक है। ये 60000 की पद भर्ती है, ठीक है। अब 60000 पदों पर भर्ती हो रही है तो इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है? एग्जाम पैटर्न आप सभी का डाउट रह रहा है। 10वीं पास भर्ती है तो उसके अंदर एक राजस्थान जीके आपका कन्फर्म पूछा जाएगा, इसके अलावा इसके अंदर मैथ्स पूछा जाएगा, साथ में रीजनिंग हो सकता है, कंप्यूटर होगा, जनरल हिंदी आ सकती है, इंग्लिश नहीं आएगी। ये आपका बेसिक सा सिलेबस रहेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और वाहन चालक की भर्ती के लिए मैंने ऑलरेडी वैसे बता ही दिया, वाहन चालक के लिए पार्ट बी बना के और आपको अलग से आरटीओ के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और 100 मार्क्स का लगभग आपका एग्ज़ाम रह सकता है, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन उस हिसाब से एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग सब कुछ होगा, वो सारा प्रोसेस रहेगा जो बाकी भर्तियों के अंदर होता है, जैसा पशु परिचर के अंदर है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस रहेगा और 2 साल के अंदर, अगले दो साल में ये प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आपके लिए बहुत जल्दी आपकी भर्ती जो देखने को मिलेगी, क्योंकि 60000 एक साथ पॉसिबल नहीं है, ये 3-4 टुकड़ों के अंदर आएगी, कभी 20000 आएगी, कभी 10000 आएगी, इस टाइप से भर्ती आएगी, क्योंकि 23800 के समथिंग अभी भर्ती चल रही है भाई, प्रक्रिया दिन है, ठीक है। इसके अंदर परीक्षा नहीं होगी, नगर निकाय के अंदर है, तो इस टाइप से आपके लिए भर्ती होगी। अब बिना टेंशन के जो आपको प्रोसेस है मैंने बता दिया, आगे बहुत जल्दी आपके लिए भर्ती आएगी। आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो शिक्षा विभाग के अंदर भी, स्कूलों के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं है वहाँ पे भी ये पद भरा जाएगा, तभी 5 साल के अंदर 4 लाख पद भरे जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छे से पता चल गई होगी। अब किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो हम कमेंट करके बता दीजिए, हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।